ऐसा प्रोजेक्ट जिसे पीपल्स ब्लॉकचेन कहा जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनस्ट्रीट। मैं बात कर रही थी जुपिटर प्रोजेक्ट के बारे में। इससे रिलेटेड हमने पहले भी वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके टोकन के बारे में, जुपिटर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेंगे, प्राइस एनालिसिस देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि स्थाई आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो ये सारी बातें आप सभी के लिए जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी। So be with me till the end of video so that you can get each and every possible information from this video. So बात कर लेते हैं पहले थोड़ी सी जुपिटर के बारे में। तो वो जिसे उसको बोला जाता है पीपल्स ब्लॉकचेन, तो वो एक असेसिबल पब्लिक ब्लॉकचेन है जिसे फाउंड किया गया था बाय स्टीवन ग्रोव एंड डेविड मा। तो जो जुपिटर के पास मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन है जो हेल्प करती है कि जो यूजर का डाटा है, यहाँ पर यूजर का डाटा जो है वो प्राइवेट रहे और सिक्योर रहे। एंड इसके पास जो इलाइट इंक्रिप्शन कैपेबिलिटीज हैं वो हेल्प करती हैं कि जुपिटर यहाँ पर पावर कर सकता है सिक्योर डैप्स को, वो भी पब्लिक और प्राइवेट दोनों नेटवर्क्स पे, जैसा क्लाइंट चाहता है उसी वे में वो हो जाएगा। ऑल्सो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक मेटिस मैसेंजर, लीडा, ग्रेविटी और बाकी भी इसके प्रोडक्ट्स हैं जो हेल्प करते हैं इस प्लेटफॉर्म को और अच्छा बनाने के लिए। बात करती हूँ इसकी टेक्नोलॉजी की, तो जो जुपिटर सॉफ्टवेयर है वो मेन पार्ट है, वो कोर है इसका, जो पावर करता है इसकी पब्लिक ब्लॉकचेन को एंड अलाउ करता है यहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन को। ये प्राइवेट नेटवर्क पे भी डिप्लॉय हो सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ अप्रूव्ड यूजर्स के लिए, उनके लिए यहाँ पर ये प्राइवेट नेटवर्क पे डिप्लॉय हो सकता है। इसका जो फ्रेमवर्क है वो ग्रेविटी पे बेस है एंड ये अलाउ करता है क्विक डैप डेवलपमेंट एंड डाटा स्टोरेज, वो भी जुपिटर की ब्लॉकचेन पे। अब बात करते हैं इसकी टोकनॉमिक्स की, तो जो जुपिटर का कॉइन है JUP। सो बात करते हैं इसके यूसेज की, तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट यूसेज के लिए आपको JUP कॉइन चाहिए होगा तो आप उसको यूज कर सकते हो लाइसेंस या की के फॉर्म में, या उसमें स्टोर कर सकते हो, डाटा को सबमिट कर सकते हो या मैसेजेस भी सेंड कर सकते हो और इसके यूज केसेस का फायदा उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसका एक प्रोडक्ट है लीडा, तो वो एक काफी अच्छी NFT मार्केट प्लेस है, तो वहां पर आपको जब भी ट्रांजेक्शन करनी होगी तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इस JUP कॉइन की जरूरत पड़ेगी। सो आप उसमें उसके थ्रू भी अपनी जो ट्रांजेक्शन है उसको इजी वे में कर सकते हो, और उसकी जो गैस फी है वो भी बहुत ज्यादा कम है। सो आप ये फीचर्स उससे भी अवेल कर सकते हो। एंड जो ये JUP कॉइन है वो काफी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, इसके काफी बेहतर यूज केसेस है जो इस प्लेटफॉर्म को और भी ज्यादा अच्छा बनाते हैं एंड हेल्प करता है ये जो जुपिटर का ब्लॉकचेन है उसको फ्यूल करने में, साथ ही साथ ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पे वर्क करता है। अब बात करती हूँ मैं जुपिटर के प्राइस एनालिसिस के बारे में, तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग जो उसका प्राइस है $0.025007 एंड 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम की मैं बात करूं तो वो है $1 मिलियन USD। जो करंट जो कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जो इसकी करंट रैंकिंग है वो है 1509। साथ ही साथ इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है इसकी वो है 126 मिलियन JUP कॉइन्स की, एंड जो मैक्स सप्लाई हो सकती है वो है 1 बिलियन JUP कॉइन्स की। सो अगर आपको जुपिटर की परचेजिंग करनी है इसके JUP कॉइन की, तो आप वेरियस क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस पे कर सकते हो, लाइक पैनकेक स्वैप है, कू कॉइन है, यूनिस्वैप है, स्टेक्स है, पैनकेक स्वैप लाइक वो है। सो आप उस पर इसकी ट्रेडिंग, परचेजिंग, सेलिंग कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसके कंक्लूजन की, तो ये जो JUP टीम है वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है एंड इनका एक ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इनकी जो सिक्योरिटी, इनकी जो इंक्रिप्शन है, मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन है, उसको और ज़्यादा बेहतर बनाती हैं एंड हम देख सकते हैं इसमें और भी इनोवेशंस आनी बाकी हैं एंड ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर सकती है एंड हम देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा ग्रो हो सकता है। सो ये था आज की वीडियो के लिए। आप अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी एंड आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। सो वी विल कम अगेन विद अनदर सच इन्फॉर्मेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो फिनस्ट्रीट फॉर मोर।